नमस्कार और आदाब। सनीचर जनवरी के 15 तारीख पेश है आपके लिए 7 दिन की खबरें। इस हफ्ता में मिनिस्टर बीबस का बाउतलांग सुसाकन का मिनिस्टर अल्बर्ट रामदीन यह ऐलान किए एक प्रेस कॉन्फ्रेंसी पर कि ब्राजीलिया का प्रेसिडेंट जाइर बोल्सोनारो ये जनवरी के 20 तारीख और जनवरी के 21 तारीख सुरीनाम देश में तशरीफ लाने वाले हैं। दोनों देशों का प्रेसिडेंट यानी सुरीनाम देश का प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी और ब्राजीलिया का प्रेसिडेंट जो है जाइर बोल्सोनारो एक दूसरे के साथ बातचीत करने वाले हैं। आपस के संबंध के बारे में दोनों देशों का और किस क्षेत्र पर दोनों देश एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और आने वाले सालों में काम करेंगे, आने वाले समय में काम करेंगे। बताने की बात खास ये भी है कि 20 तारीख जिस दिन जाइर बोल्सोनारो सुरीनाम देश आएगा, इस दिन भी गुयाना का प्रेसिडेंट इरफान आली भी कुछ घंटों के वास्ते सुरीनाम देश में आएगा और तीनों देशों का प्रेसिडेंट भी एक साथ मिलकर बातचीत करेंगे। फिर उसी दिन यानी 20 तारीख को गुयाना का प्रेसिडेंट जो है इरफान आली वापस अपना देश चला जाएगा और जाइर बोल्सोनारो जो है सुरीनाम देश रहेगा, यहाँ पर कुछ और बातचीत करने के वास्ते। और अगला दिन 21 तारीख जनवरी को बोल्सोनारो गुयाना जाने वाले हैं, वहाँ पर भी बातचीत करने के वास्ते। ये तीन प्रेसिडेंट जो है, तीनों देशों का प्रेसिडेंट जो है, ये सब बात करेंगे आर्को नोर्ते प्रोजेक्ट का, ये इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी लेफरेंसी के बारे में है तीनों देशों के दरमियान। बिलाटरल खसप्रेक रहेगा सुरीनाम देश और ब्राजीलिया के बीच में और बातचीत भी होगा पॉलिटिकल रिलेशंस, हैंडल इन्वेस्टेरिंगन इन अखरारिस सेक्टर, सामन वर्किंग टूसन पेट्रो बस और स्टार्स ओली, आगे में फैलखेत मिख्राची और रेगियोनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका सुरीनाम देश और ब्राजीलिया मेंबर है यानी लिथ है, इसके बारे में बातचीत होगा। एक खसामलक फरक्लारिंग दस्तखत होगा दोनों प्रेसिडेंट के बीच में और रात्रि के समय 20 तारीख जनवरी के रात में प्रेसिडेंट संतोखी एक डिनर पेश करेगा अपना ब्राजीलिया का अम्त खनोद ब्राजीलिया का प्रेसिडेंट बोल्सोनारो को और बाकी जो इनके साथ लोग आएंगे इनके दिल हादसे में। जो 21 तारीख जनवरी अगला दिन हम आपको बता चुके हैं, प्रेसिडेंट बोल्सोनारो फिर गुयाना जाएगा, यहाँ से छूटेगा और गुयाना जाएगा वहाँ पर बातचीत करने के वास्ते। इससे पहले 2005 में ब्राजीलिया का एक प्रेसिडेंट सुरीनाम देश आया था कारिकॉम फोर्शेतरशाप के बारे में बातचीत करने के वास्ते, ये था प्रेसिडेंट लुला द सिल्फा। और 2013 में ये था ओफरद्रा उनासुर फोर्शेतरशाप के सिलसिले में दिल्मा रूसेफ सुरीनाम देश आए थे। कोविड के बारे में कुछ हम आपको बताना चाहते हैं। मिनिस्टर फॉलस सुजोमथेट का अमर रामाधीन इस हफ्ता यह ऐलान किए है कि ऑफिशियल खबर आ चुका है, तस्तन जो भेजा गया था विदेश इसका जो रिजल्ट है अंदर आ गया है और इससे ये पता चला है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट सुरीनाम देश में आ चुका है। जो अब तक लोग सोच रहे थे और अंदाज़ा लगा रहे थे, अब ये बात सच साबित हुआ है और इसलिए भी लोग कहते थे कि ओमिक्रॉन वेरिएंट मुमकिन सुरीनाम देश में आ चुका है, क्योंकि जो बसमतिंगन है ये दिन पे दिन फैलता जाता है और ज़्यादा हो रहा है और ये स्प्रेडिंग जो है, बसमतिंग जो है, ये और ज़्यादा तौर पर और जल्दबाजी में फैल रहा है, बढ़ रहा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है इसका मिल्ड लक्षण है, उतना ज़्यादा बीमार आप नहीं होंगे जो लोग वैक्सीनेट हैं, जो लोग अपना दोनों वैक्सीनेशन ले चुके हैं और भी जो लोग बूस्टर वैक्सीन ले चुके हैं उन लोगों, ये लोगों को इतना तकलीफ नहीं होगा, ये सब इतना बीमार नहीं होंगे। लेकिन ये बात ज़रूर है बीमार तो लोग होंगे और सौरख सेक्टर पर, अस्पताल पर और सौरख पर यानी जो लोगों का इलाज करना है इन सिकन हाउस इंस्टेलिंगन सौरख इंस्टेलिंगन पे, इन लोगों पर दबाव काफ़ी आएगा क्योंकि ज़्यादा मरीज़ यहाँ पर जाएंगे इलाज के वास्ते। स्कूल हम आपको बता चुके पिछले हफ्ता सुख से खोला गया है और पढ़ाई जारी हुआ है और बहुत से लोग इस पर आवाज़ उठाई है और सवाल भी किए हैं क्यों लोग थोड़ा इंतज़ार नहीं कर लेते हैं और उसके बाद फिर स्कूल खोला जाएगा, पढ़ाई जारी होगा।
मिनिस्टर मारी लेफन्स ओंदरवेस का मिनिस्टर जो ये कहते हैं कि स्कूल जारी होगा क्योंकि इस वक्त एक आख्तरस्तान थे पिछले साल का, अगर स्कूल फिर से बंद किया जाएगा तो यह आख्तरस्तान सिर्फ और ज़्यादा होगा। ये कहा गया है कि क्लस्टर बिस्मेटिंगन स्कूल पर है, लेकिन मिनिस्टर लेफन्स कहता है कि ऐसा कोई बात नहीं है, स्कूल पर कोई क्लस्टर बिस्मेटिंगन नहीं है। मिनिस्टर फॉलक्स सोनथेट का और मिनिस्टर ओंदरवेस का दोनों लेयर क्राफ्टन को खासतौर पर पुकार किए हैं जाकर वैक्सीनेट करने को, और अगर लोग दोनों वैक्सीनेशन ले चुके हैं तो जाकर यह बूस्टर वैक्सीन भी लेने को। बीफे को पंचघर में कोविड सिचुएशन के बारे में सुरीनाम देश के जो हालात है इस बारे में बातचीत हुआ है, बहुत से सवाल किया गया है और ये फरखादरिंग जो है ये टाल दिया गया है, आने वाले मंगल को जारी होगा और इसमें सरकार जो सवाल किया गया है इस पर जवाब देने वाले है। मिनिस्टर अमर रामाधीन फलक्सोसोंथेट का मिनिस्टर पंचघर में ये भी कहा है कि क्वारंटाइन का समय जो है ये छोटा कर दिया गया है। पहले 10 दिन के लिए लोगों को क्वारंटाइन में जाना था, लेकिन अब तय हुआ है कि 5 दिन तक लोगों को क्वारंटाइन में रहना है। हम आपको बता चुके हैं कि आने वाले मंगल को ये सभा जारी होगा और इस मामले के बारे में और बातचीत होगा। सुरीनाम देश इस वक्त एक फेफ द खौलफ में है और ये फेफ द खौलफ जो है ये फिर द खौलफ से और ख़तरनाक है और हानिकारक साबित हो सकता है। सैफर्स लास्ट सैफर्स जो है कल तक के लिए जो सैफर्स था कल 14 जनवरी, तो हम आपको बता दें कि कल 5 लोगों का देहांत हुआ है। आंताल बस्मेतिंगन जो कल था 1026 लोग कल पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं। सुरीनाम देश में हम आपको बता दें जनवरी महीना के वास्ते 18 लोगों का देहांत कोविड से हो चुका है और टोटल आंताल दो दिन सुरीनाम देश में है 1207। जनवरी महीना में सिर्फ इस साल 2022 में पॉजिटिव खतस्तन है 10288 लोग अब तक जनवरी महीना में पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं। मिनिस्टर रामाधीन बेफे को दयाना में कहा है कि या मिनिस्टर रामाधीन नहीं लेकिन यूस्तित्सी का मिनिस्टर अमुक्सी ये कहा है कि पुलिस को काफ़ी काम है हंथ हाफिंग के सिलसिले में, लोग रेखल्स पर गौर नहीं करते हैं, मात रेखलन जो कहा गया है इस पर गौर नहीं करते हैं। ओपराध से फैल सुरीनाम जो है करप्स पॉलिसी सुरीनाम का, यहाँ के पुलिस के जो लोग हैं सिपाही है जो इन लोगों को काफ़ी काम है क्योंकि बहुत से ऐसे इलाहाल फेस्तन होता है, लोग जोर तोर से जश्न करते हैं जहाँ पर कोविड मातरेखलन पर गौर नहीं किया जाता है। सर्फेंसेस होता है और रोड ब्लॉक्स रखा जाता है, बहुत से लोग गिरफ्तार होते हैं और जहाँ पर जश्न हो रहा है फेस्तन रोका जाता है, वहाँ का जो जिम्मेवार शख्स है जो फरंतवर्दलक है इनको बूत भरना है, 3000 SRD बूत है जो लोगों को भरना पड़ता है, कई ऐसे लोग भर चुके हैं। मिनिस्टर यूस्तित्सियन पोलिटिका और मिनिस्टर भी फॉलक्सोसोंथेट का जनता को पुकार करते हैं जश्न नहीं करने को, फेस्तन इस फरबोदन और कोविड मातरेखलन पर गुजारिश किया जाता है गौर करने को। कापेयस को खासतौर पर काफ़ी मुश्किल समय है क्योंकि बहुत से ऐसे सिपाहियों जो है ये सब भी पॉजिटिव है, इन लोगों को ये कोविड वायरस है, तो मतलब और कम लोगों के साथ काम ये सबको करना है। इसमें करप्स पॉलिसी सुरीनाम के मदद कर रहे मिनिस्टेरी फॉर डिफेंस की तरफ से मिलिटेरन और आर्बेट का मिनिस्टेरी भी मदद कर रहा है, तो आप जनता को पुकार किया जाता है ये तमाम कोविड रेखल्स पर गौर करने को। सफीरा यसरुन जो इससे पहले एक्टिविस्ट था और काफ़ी अपना आवाज़ उठाई है सरकार के बलैक के खिलाफ, ये बनुम हुआ है, ये बैठाया गया है प्रेसिडेंट कॉमिसारस SLM सुरीनाम से लुख्तवार मात्सापे का। ये CEO जो है SLM का पॉल दहान ऐलान किए है बीफे को। यसरुन का फोर्थ जो है प्रेसिडेंट संतोखी की तरफ से हुआ है। इससे पहले राजन प्रहलाद सिंह जो
प्रेसिडेंट कॉमिसारस था, यह व्यक्तिगत कारण प्रशोमल का रेडनन के कारण अपना पदवी छोड़ दिए है और दो और एरफे से लेडन से कायरो और ये खमुस भी ये सब अपना पदवी छोड़ दिए है। इन लोगों ने अपना इस्तीफा दिए है जो स्वीकार किया गया है और ये पता चला है कि एक बिजोंद्रा अलखमीन फरखादरिंग फन आंदिल हाउदश पर एस एल एम का फरखादरिंग पर एम सेवकोबिंद और एर राफन बैरक ये दोनों एरफे से लेडन किया गया है एसएलएम का। एक्स पार्लियामेंटेरियन पुराना पंचघर का नेता लियाकत महावत खान का वफात हुआ है। बीते हुए मंगल जनवरी के 11 तारीख को निकेरी में एमएमसे मुंगरा मेडिस सेंटर में ये पता चला है। कुछ दिनों से वहाँ पर उनको भर्ती किया गया था क्योंकि इनको होख ब्लूड का कुछ बीमारी या कुछ तकलीफ था और कुछ दिनों बाद इनका देहांत एमएमसे मुंगरा मेडिस सेंटर में हो गया है। महावत खान 71 साल एरन सैफ इंतखियार के हुए हैं। फेहापे की तरफ से पॉलिटिकल पार्टी फेहापे की तरफ से दो तरवेन वो दो सेटिंग्स पीरियड तक पार्लियामेंट में वो काम किए हैं। अनेक फ्रैक्सिस जो है पे पार्लियामेंट में ये सब अपना गमी का इजहार किए हैं और इनके जो काम था पार्लियामेंट में जो वो किए हैं 10 साल तक इसके बारे में काफ़ी चर्चा हुआ है। एक मिनट से तलोक भी लिए है इनके वास्ते पंचघर में बीफे के फरखादरिंग शुरू होने पर। आखिरी चुनाव जो 2020 में था तो लियाकत महावत खान ये पीएल परचाया लाहौर में भर्ती हो गया था। असेंबली का फोर्सी दरबारी नजवी जो है इन परिवारों इन रिश्तेदारों को अपना गमी का इजहार किए है। प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी मिनिस्टर फॉलक्स खुसोन थे मिनिस्टर डिफेंसी डायरेक्टर अकादेमी सिकन हाउस परामारीबू का रिदान मेडिस और रेडियोलॉजी टीम अकादेमी सिकन हाउस और डोनाटर्स के मौजूदगी में डोनाटर्स न्यूमॉन्ट सूरीनाम स्टार्स ओली और रूबिस वेस्ट इंडीज लिमिटेड सूरीनाम इन सभी के मौजूदगी में सुख को एक खरेनोफेर सिटी स्कैन सेंट्रम अकादेमी सिकन हाउस परामारीबू में नया हाई स्कैन अपराध के साथ काम में लिया गया है। प्रेसिडेंट संतोखी कहते हैं कि यह बहुत खुशी की बात है और यह भी ऐलान किए हैं कि मार्च महीना के अंत तक कुछ और रेडियोलॉजी से अपराध जो है काम में लिया जाएगा अकादेमी सिकन हाउस परामारीबो में जो डोनेर किया गया है जापान्स बिद्रेफ यूनॉक्स के जरिए। प्रेसिडेंट ये बताए हैं कि अकादेमी सिकन हाउस परामारीबो को आगामी में तुकम्स में इन लोगों को अपना बलैत के जरिए खुद ये सब को अच्छे तरह से ये अस्पताल को चलाना है अच्छा बलैत करना है ताकि ये अपराधन जो है खुद अकादेमी सिकन हाउस परामारीबो खरीद सके। अकादेमी सिकन हाउस परामारीबो का डायरेक्टर रदान जो है कहते हैं कि हर एक के लिए यह मुमकिन होना चाहिए एक सीटी स्कैन के वास्ते भरने के वास्ते ताकि इन लोगों का इलाज वहाँ पर हो सके ओंदोशुक हो सके और ओंदोशुकन जो है यह बताल बार रहना चाहिए। यह बहुत खुशी की बात है ना सिर्फ अकादेमी सिकन हाउस परामारीबो के वास्ते लेकिन आम जनता पूरा जनता के वास्ते क्योंकि कहीं ना कहीं किसी को भी ये सीटी स्कैन बनाने का जरूरत पड़ सकता है। एक स्त्री एक औरत जो दवीनास एंटरप्राइजेस में काम करते हैं खवेनलांसवेख में इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके खिलाफ एक आनहिफ्त किया गया है दिवसाल के वास्ते चोरी के वास्ते। इन्होंने चोरी किया है अब तक जो इल्ज़ाम लगाया गया है तो ये बताया गया है कि ये 1.9 मिलियन एसआरडी 50,000 यूएस डॉलर और 9,500 यूरो चोरी किया है इस बदरेव से। बदरेव जो है दवीनास एंटरप्राइजेस एक स्ट्राफ रेखतलक ओंदरशुक चाहते हैं कि इस पर छानबीन किया जाए क्योंकि इस बदरेव का काफ़ी हानि हुआ है। बगैर यहाँ के बदरेव के जो डायरेक्सी है इन लोगों से कहे ये पैसा वहाँ से निकाल कर खर्च किए है। पता चला है कि सिर्फ 3 दिसंबर से लेकर पिछले हफ्ता तक ये काफ़ी बड़ा रकम फालूता में
खरीदे है कम्बियोस में, एक कम्बियो में जाकर ये पैसा वो खरीदे है। और इनसे पूछताछ करने पर इन्होंने पहले इनकार किया है और उसके बाद उन्होंने कहा है कि यह पैसा हिस्सा हिस्सा करके वो वापस भरने के लिए तैयार है। ऑन द शुक चल रहा है और इस मामले में ये औरत जो है इस पर काफ़ी छानबीन होगा कि कितना पैसा इन्होंने चोरी किए है, और ये पुलिस के काम है ऑन द शुक करने के वास्ते। ये आखिरी खबर है आज 7 दिन में। शुक्रिया, खुदा हाफिज़ और नमस्कार।